बैन अपने ही घर में मृत पाया जाता है। बैन के दोस्त रॉय और जॉय घटनास्थल पर मौजूद थे। जाने माने जासूस वे उनको जांच के लिए बुलाया गया था और जांच के दौरान निम्न जानकारी प्राप्त करता है जासूस में और रॉय के पास पीली कार थी और जॉय के पास लाल रंग की कार थी और बैन इसकी जिसकी हत्या की गई थी उसके पास काली कार थी जो एक सप्ताह के लिए उसके ही घर पर खड़ी थी। तो पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह अपनी कार से आया था, जब मैं आया तो जॉय की कार वहां पहले से ही खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं आज सुबह आया था और रॉय की कार पहले से वहीं खड़ी थी, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो बैन की हत्या किसने की? यदि आपको लगता है कि यह हत्या जॉय ने की या रॉय ने की तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। आपके लिए मैं टाइमर लगा देता हूँ, आपके पास 5 सेकंड का समय है। टाइमर होता है स्टार्ट अब। जी आंसर यह है कि बैन की हत्या की थी रॉय ने, क्योंकि रॉय जॉय के सामने आया था, क्योंकि अगर वह जॉय के बाद आया होता तो उसकी कार बीच में नहीं रखी जाती क्योंकि दरवाजे खुलते ही नहीं। तो इसका मतलब कोनी रॉय है। यदि आपको वीडियो और आपको पहली अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।